So let us start with the मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब सिंपल है, इट मीन्स डैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो कर रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट अपने आसपास क्या लेके आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, या दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। सो द प्रोसेस बराबर इन विच इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आ जाते हैं हम लोग, हमारा सबसे पहला क्वांटिटी जो हमें पढ़ना है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। यू हैव ऑल लर्न्ड अबाउट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेट रख लो आप, मान लो ये मैग्नेट है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल कोई इसके आसपास लेके आओगे तो ये मैग्नेट क्या करेगा, उस मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा। बराबर, देर इज़ यू डोंट नीड एनी कॉन्टैक्ट, कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये दूर से ही, थोड़े डिस्टेंस की दूरी से ही क्या कर लेगा, अपना इफेक्ट दिखा देगा। ऐसा क्यों कर पाता है वो? क्योंकि इसके अराउंड आसपास कोई फील्ड है। बराबर, इसके अराउंड आसपास कोई फील्ड है, तो कोई भी चीज़ जब वो फील्ड के पास आएगा, ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा दूर रहेगा तो नहीं, लेकिन जब फील्ड के अंदर तक आ जाएगा तो ये अपना असर वहीं से ये दिखा के इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कोई भी मैग्नेट होता है उस मैग्नेट के आसपास क्या होता है बच्चा, फील्ड होता है। फील्ड बराबर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा खेती का फील्ड होता है। बराबर, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इवन डैट। तो जिस तरह से खेती का फील्ड होता है वैसे ही हर एक मैग्नेट के आसपास एक फील्ड होता है। तो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, जो स्पेस मैग्नेट को सराउंड करके रखता है, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड, यानी कि अगर उस स्पेस में आप चले गए तो आपके ऊपर क्या एक्ट कर जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर जाएगा। वैसे मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक मटेरियल पे एक्ट करेगा, तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल उस स्पेस में एंटर कर गया तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट हो या ना हो। ऐसे ही स्पेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सच स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वो स्पेस में जो वो स्पेस को भरता है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या चीज़ है जो स्पेस को फिल करता है, तो वो स्पेस को फिल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी वो पूरे स्पेस में मैग्नेट है, मैग्नेट रख दिया, यहाँ पर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में भी तो कुछ होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बराबर ना, एक मैग्नेट रखा, मैग्नेट के अराउंड क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आया। तो अब क्या अंडरस्टैंड करना है हमें कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर भी तो कुछ होंगे, तो उसके अंदर क्या होते हैं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ पोल वुड मूव, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसे बराबर समझ लो आप। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आपने क्या रख दिया, एक रख दिया बार मैग्नेट, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, नॉर्थ से स्टार्ट करता है या नॉर्थ से ओरिजिनेट करता है और साउथ पर एंड करता है। अब ये कैसे मालूम पड़ा साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट लोगों को कैसे मालूम पड़ा, तो वो बताते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको अब क्या करना है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो आपको चाहिए क्या क्या अरेंजमेंट चाहिए बता देता हूँ। आपको चाहिए एक आयरन नेल,
एक आयन का किला ले लो, एक छोटा सेल या बैटरी ले लो 9 वोल्ट का, और कॉपर वायर ले लो इंसुलेटेड, कपड़ा पहना हुआ। अब ये मान लिया आयन नील है, इस आयन नील पे मैं क्या करूँगा, कॉपर वायर जो है उसको वाइंड कर दूँगा और कॉपर वायर का दो एंड छोड़ दूँगा। कॉपर वायर का दो एंड को मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूँगा। बैटरी से जब कनेक्ट करूँगा तो अब मैं जब इस आयन नील के पास छोटे छोटे स्टेपलर के पिंस लेके आऊँगा तो ये आयन नील्स उस छोटे स्टेपलर पिन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बराबर, ऐसा कौन करता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट करता है। बराबर, ऐसा कौन करता है, कौन कर पाता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट कर पाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, आयन नेल, वायर लपेटा हुआ, वायर कनेक्टेड टू बैटरी, तो क्या बना दिया आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, आयन नेल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट आपको ये चैप्टर में ये करना है, अगर इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है तो। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दूसरा किसके लिए स्टडी करना है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या स्टडी करेंगे बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड, वी नीड वन कार्डबोर्ड। उस कार्डबोर्ड के ऊपर बहुत सारे आयन फाइलिंग्स, आयन फाइलिंग्स के टुकड़े, छोटे 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 टुकड़े। उस कार्डबोर्ड के नीचे, बीनीथ दैट कार्डबोर्ड, हमें चाहिए एक बार मैग्नेट। क्या चाहिए? बार मैग्नेट। तो ये जो पहले फैले हुए टुकड़े हैं आयन के, बार मैग्नेट जब आएगा उसके बाद ये फैले हुए टुकड़े कुछ ऐसे दिखेंगे, एक उनका पैटर्न बन जाएगा, एक उनका सिस्टम बन जाएगा, एक उनका लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है। तो इसी एक्सपेरिमेंट ने आइडिया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसी एक्सपेरिमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, दिस एक्सपेरिमेंट गिव द आइडिया। नॉर्थ पोल साउथ पोल करके रख दिया गया, किसको, एक मैग्नेट को, उसके ऊपर रख दिया गया एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पे बहुत सारे आयन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल किया गया, आयन फाइलिंग्स ने कुछ टाइम बाद अपना क्या बना लिया, एक पैटर्न बना लिया। बराबर, तब ये समझा गया भाई कि जिस पैटर्न में आयन फाइलिंग्स अरेंज्ड है उसी पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है। ठीक है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसी पैटर्न में। उसको स्टडी करने के लिए क्या करना है, तो हमारे बुक में यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट है, इफ़ यू कैन सी। ठीक है, आयन फाइलिंग्स को कार्डबोर्ड पे स्प्रिंकल किया गया, यहाँ पर अंदर रखा गया किसको, बार मैग्नेट को। उसके बाद जो ऊपर दिखेगा बोर्ड पर, ये आयन फाइलिंग्स कुछ ऐसे दिखेंगे अरेंज्ड, यू कैन सी, ऐसे कुछ अरेंज दिखेंगे। दिस रिप्रेजेंट, ये जो बहुत क्लोज क्लोज लाइन दिख रहे हैं कर्व की तरह, बराबर, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टडी हमें करना है किसके बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और क्लोजली स्टडी करना है। तो आप ये ले लो एक मैग्नेट ले लो, उस मैग्नेट के बाजू में एक क्या रख दो, बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दो, यू नीड टू प्लॉट मैनी पॉइंट्स। तो ये मैग्नेट ले लिया, इस मैग्नेट के बाजू में बहुत सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए और हर एक पॉइंट पर एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो कंपास नीडल ऐसे होता है, तो हमको मालूम है कि मैग्नेट के लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, तो ये साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा। फिर अगेन इसके हिसाब से साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, फिर अगेन इसके हिसाब से साउथ इधर, नॉर्थ इधर। तो आप देख रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बढ़ता है उसी डायरेक्शन में कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बढ़ता है उसी डायरेक्शन में कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से फाइंड किया गया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, बराबर, नॉर्थ पोल के डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन को ज्वाइन करके, ये देखो ऐसा ज्वाइन करके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स को क्या किया गया था, पहचाना गया था, उसको फाइंड किया गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। ऑल राइट, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ गया, आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पर, प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो ये फील्ड लाइंस को जब आप ऑब्जर्व करोगे, व्हेन यू गोइंग टू ऑब्जर्व देम,
जस्सी, आप सीधा कह सकते हो कि ये नॉर्थ पोल से निकलते हैं, दिख रहे हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल, दे कम फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ऑन साउथ पोल, कम फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ऑन साउथ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ साउथ पोल पे एंड किया, तो हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं मालूम है, दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स, कैन यू सी, देर आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल। अब आप कहोगे सर ये तो नॉर्थ पोल से निकल के ऐसे बाहर है, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा जाके फिर ऐसा गया है, नॉर्थ पोल से ऐसा निकला फिर ये ऊपर दिख नहीं रहा ना, ये वाला डायरेक्शन दिख नहीं रहा आपको, और फिर अंदर गया है, देखो बाहर निकला है फिर इधर अंदर गया है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल एंड दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स, ये क्लोज्ड है एक दूसरे से बहुत क्लोज है, और ये कर्व्स जो है कंटिन्यूस है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हम पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में, दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये क्लोज्ड हैं और ये कंटिन्यूस कर्व्स हैं, और ये स्टार्ट होते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पर, मैग्नेट से, और एंड होते हैं साउथ पोल पर, स्टार्ट होते हैं नॉर्थ पोल पर एंड होते हैं साउथ पोल पर, ये बात आप याद रख लेना। दूसरा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर क्लोज टू वन अनदर नियर पोल्स ऑफ द मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट द अदर प्लेसेस, कहने का मतलब ये है, देख लो यहाँ पर, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत एक दूसरे को क्लोज दिख रहे हैं, और वहीं यहाँ पर दिख रहा है ये जो स्पेस है इनके बीच का बढ़ते जा रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ये वाइडली स्प्रेड होते जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड की ताकत स्ट्रॉन्गर होती है कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, तो जहाँ पर फील्ड की ताकत ज़्यादा वहाँ पर लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या रहेंगे, क्लोज़र रहेंगे, एक दूसरे से बहुत क्लोज रहेंगे, और जहाँ पर फील्ड का लाइन जो है दूर दूर है वहाँ पर समझ लो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्या है, वीक है, कमज़ोर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में कमज़ोर है पर एंड ऑफ द पोल्स पर स्ट्रांग है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते, और कभी भी अगर हमें इनका डायरेक्शन पाना है, वैसे तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव करता है वही डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव होता है वही डायरेक्शन होता है, देखो यहाँ पर ये नॉर्थ है साउथ है तो साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कंपस का मैग्नेटिक कंपस का नॉर्थ पोल ही डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का, बराबर, और नॉर्मली अगर डायरेक्शन पाना है तो यू नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कुल चार प्रॉपर्टीज है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अर्थ, अर्थ मालूम है ना हमारा, अर्थ भी एक मैग्नेट है, ओके, इट इज़ नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक मच अबाउट इट, सो वी विल नॉट डिस्कस, होपफुली आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट समझा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स समझ गया होगा और उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, बराबर। तो अब हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, इसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, तो जो स्पेस है मैग्नेट के अराउंड उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड को जिसने भर के रखा है, यानी जिस जो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में है वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उसे कहते हैं हम लोग, दोनों एक ही बात हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलो या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलो, बात एक ही हुआ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया हमने, प्रॉपर्टीज़ पढ़ा भाई कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स है, स्टार्ट करते हैं नॉर्थ पोल पर एंड करते हैं साउथ पोल पर, बराबर, फील्ड वहाँ पर क्लोज है जहाँ पर फील्ड की ताकत स्ट्रॉन्गर है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत क्लोज हैं जहाँ पर फील्ड की ताकत स्ट्रॉन्गर है, और ये एक दूसरे से दूर है जहाँ पर फील्ड की ताकत कम है, कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, क्रॉस नहीं करता, ओवरलैप नहीं करता, और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो कर्व के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, वो कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो होपफुली ये पार्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।